फ्रेंड्स, कई बार होता है ना कि अचानक कोई मेहमान आ जाता है और कुछ भी समझ में नहीं आता कि फटाफट से क्या बनाएं जिसके सारे सामान आपके घर में हो। तो बस मायशी रसोई में एक ऐसी रेसिपी बनाएंगे बहुत ही ज्यादा जो फटाफट बनकर तैयार हो जाएगी। आपको बाजार से कुछ भी नहीं लाना पड़ेगा। इसमें आपको समोसे और पेटीज का मिला जुला टेस्ट मिलेगा, तो आपको भी पसंद आएगी और फैमिली को भी पसंद आएगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज ये जरूर बताएं किस सिटी से देख रहे हैं, आपका क्या नाम है, और इसके साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, मैं कल्पना माहेश्वरी अपने चैनल माहेश्वरी रसोई में आप सभी को स्वागत करती हूँ। इस बहुत ही क्विक टेस्टी और चटपटी रेसिपी के लिए गैस ऑन करके कढ़ाई रख दी, उसमें डाला थोड़ा सा सरसों का तेल। तेल के गर्म होते ही उसके अंदर गया 1/4 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून जितनी राई, और राई और जीरे जैसे ही अच्छे से तड़के उसके अंदर डाल दिए थोड़े से करी पत्ते जिससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। इन्हें भी बढ़िया सा गर्म कर लिया और ये मैंने लिए हैं हरी मिर्च, अदरक और लहसुन को अच्छे से कूट के डाला है। और जैसे ये बढ़िया से गर्म हुए इसके अंदर गया बिल्कुल थोड़ा सा हल्दी पाउडर जिससे कलर बढ़िया आएगा। और ये मैंने लिया है सूखा धनिया 1 टीस्पून जितनी, लाल मिर्चें, सूखे मसालों को अच्छा सा गर्म कर लें। बहुत ज़्यादा आपको इसे पकाना नहीं है, फ्लेम को एकदम स्लो रखें। और ये मेरे रात के बचे हुए उबले हुए आलू हैं, वो ले लिए 4 आलू हैं। आलू नॉर्मली सभी घरों में होता ही है, और साथ ही अगर सर्दियों में बना रहे हैं हरी मटर है तो थोड़ी सी हरी मटर डाल दीजिए, और नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। और ये गया फ्रेंड्स प्याज, कच्चा प्याज डालिए। प्याज को भूनने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिना भुने ही जब आप प्याज को डालते हैं ना उसका जो टेस्ट होता है वो बहुत बढ़िया आता है। इसके साथ ही डाल दिया टेस्ट के हिसाब से नमक 1/2 टीस्पून जितना, अमचूर पाउडर 1/2 टीस्पून जितना, गरम मसाला, और ये गया पाव भाजी मसाला। इससे और भी अच्छा टेस्ट आएगा, और अगर पाव भाजी मसाला नहीं है तो किचन किंग डाल सकते हैं। अमचूर पाउडर नहीं डालना चाहते या आपको कोई इशू है तो आप इसकी जगह नींबू का रस डाल सकते हैं, यानी वेरिएशन तो आप अपने हिसाब से कीजिए। पर रेसिपी इतनी शानदार है कि आपको बेहद पसंद आने वाली है। और तो जब आपका मसाला बढ़िया सा भुन जाए उसमें डाल दीजिए थोड़ा सा हरा धनिया। स्टफिंग जब तैयार हो गई, मैंने फिर से गैस ऑन करी, कढ़ाई रखी और उसमें बिल्कुल थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दिया। इस रेसिपी को आप सरसों के तेल के साथ ट्राई करें, ज़्यादा बढ़िया टेस्ट करेगी। और ये मैंने ली है मेथी, मेरे पास थोड़ी सी मेथी थी जिसे मैंने अच्छे से साफ कर लिया, काट लिया, और क्या बताऊँ ये मेरे पास पहले से ही कटी हुई रखी थी, तो मैंने कहा थोड़ी सी ये भी डाल देते हैं, बढ़िया टेस्ट करेगी। और मेथी को मैंने अच्छा से गर्म कर लिया, जिससे आप मेथी गर्म कर लेते हैं ना तो वो कड़वी नहीं रहती है। बस ये छोटी सी टिप है कि मेथी को गर्म कर ले, वरना हो सकता है कि बच्चों को पसंद ना आए। और उसके बाद मैंने ले लिया 1 कप गेहूँ का आटा, उसमें डाली थोड़ी सी सूजी जिससे क्रिस्पी हो जाएगा, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्चें, और ये क्या 1/2 टीस्पून जितना नमक, 1.5 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाला है जिससे खस्ता बन के तैयार होगी। अगर कुकिंग ऑयल नहीं डालना चाहते तो आप इसमें मलाई डाल सकते हैं या आप दूध के साथ भी डो लगा सकते हैं। और वो जो हमने मेथी भून के रखी थी अब वो भी डाल दिया है और अच्छे से मिक्स किया, और पानी के साथ इसका एक सेमी सॉफ्ट डो लगा कर तैयार कर लिया। डो आपको ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड लगाना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं लगाना है, कवर करके रख देंगे। अब इसके साथ एक और चटनी बना लेते हैं जो कि इसके साथ बहुत ही अमेजिंग लगेगी। तो मैंने उसके लिए नारियल ले लिया है, थोड़ा सा नारियल है, थोड़े से काले चने हैं जो भुने हुए बाजार में आते हैं वही वाले, हरी मिर्चें हैं, और उसके साथ ही मैंने लहसुन ले लिया है। अगर आपके पास तीखी वाली हरी चटनी रखी है तो उसके साथ भी आप इसे ट्राई कर सकते हैं, तो इसे बनाना और भी आसान हो जाएगा। ये लिया थोड़ा सा हरा धनिया, और इसकी जो डंडियाँ हैं ना वो आप धनिये में ही रहने दीजिए, इससे खुशबू और भी ज़्यादा अच्छी आएगी। साथ ही वो हमने नारियल, हरी मिर्चें और जो भुने हुए चने लिए थे वो भी डाल दिए। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 ग्लास जितना पानी, पानी आप इसमें भर भर के डालिए, 1/2 टीस्पून जितना नमक डाल दिया, बहुत ज़्यादा आपको मसालों की ज़रूरत नहीं है, एकदम लिमिटेड मसालों के साथ आप इसे इस तरीके से पीस कर तैयार कर लीजिए। इस चटनी में बहुत ही अमेजिंग आपको टेस्ट मिलेगा। 2-3 टेबल स्पून जितना फ्रेश दही डाल दिया, 1/2 नींबू था उसका रस निचोड़ दिया जिससे प्रॉपर खट्टी हो जाएगी, है ना एकदम अमेजिंग चटनी जो इसके साथ भी बढ़िया लगेगी, इडली डोसे के साथ भी बढ़िया लगेगी। और इसी बीच हमने वो जो डो लगा के रखा था ना, आप उसको देख लेते हैं। डो अच्छे से तैयार हो गया है, तो आप अच्छे से काउंटर टॉप पे लें और बढ़िया सा मसल के उसे एक बार स्मूथ कर लें। बहुत ज़्यादा ये डो स्मूथ नहीं होगा इस बात का भी ध्यान रखें। और उसके मैंने इस तरीके से गोले बना लिए हैं।
अब काउंटर टॉप को कर लिया अच्छे से ग्रीस फ्रंट। इस नाश्ते को इस तरीके से बनाइए। सब कोई आपसे एक बार तो जरूर पूछेगा कि भाई बनाया कैसे है, क्योंकि टेस्ट बहुत अमेजिंग है। इस तरीके से मैंने सब उसकी पूड़ियाँ बेलकर तैयार कर लिया है। एक ही बार में आप 4-5 पूड़ियाँ बेलकर तैयार कर लें, जिससे बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। और जब आपकी पूड़ियाँ बेल जाएं, आप ले लीजिए थोड़ा सा देसी घी, और अगर बटर है तो बटर ले सकते हैं, चाहे वाइट वाला हो या येलो वाला हो, कोई दिक्कत नहीं है। घी को अच्छे से स्प्रेड कर दें और उस पर डाल दें वही अपना सूखा आटा थोड़ा सा। एक एक पूड़ी रखते जाएं, घी को लगाते जाएं, थोड़ा सा सूखा आटा लगाते जाएं, और आप जो आपने 4-5 पूड़ियाँ बेल के रखी है ना, उन्हें एक के ऊपर एक रख के इस तरीके से एक तह जैसी बना लें। फ्रेंड्स, आपने देखा ना, ये नाश्ता बनाना आसान है, और इसका जो टेस्ट है ना, वो तो आपको तभी पता चलेगा जब आप इसे एक बार ट्राई करेंगे। तो चलिए, ये सभी पूड़ियाँ मैंने एक के ऊपर एक रख ली हैं। अब बारी है इसे थोड़ा सा बेलने की। बहुत ज़्यादा आपको इसे पतला नहीं करना है, और आपकी जो इसमें लेयर बनाई है ना, वो परफेक्ट रहेंगी, क्योंकि घी लगाया है, सूखा आटा लगाया है। जब ये एक पराठे की तरह बिलकर तैयार हो जाए, जब आप फिर से थोड़ा सा घी लगाइए, फिर से सूखा आटा लगा दीजिए, और इस तरीके से इसका एक रोल बनाकर तैयार कर लीजिए। और ये देखिए, रोल जब बन के तैयार हो जाए, जो साइड है ना, उन्हें तो एक बार हटा दीजिए। और ये नहीं है कि ये आटा खराब हो गया है, इस आटे को हम जो बाकी का आटा बचा है ना, उसमें मिक्स कर लेंगे। और इस तरीके से हमने 5 पेड़े लिए थे, तो मैंने इसमें से 5 लोइयां बनाकर तैयार कर ली हैं। और अब बारी है इसे प्रेस करने की। तो प्रेस करने का जो तरीका ना, थोड़ा सा हट गया है, आप हथेली पे रखें और अंदर की साइड को इस तरीके से प्रेस करें जब पेड़ा तैयार हो जाए। अब बारी है फिर से इसमें से पूड़ी बनाने की। तो अब बनानी है आपको बिल्कुल पूड़ी के साइज की पूड़ी, और अब आपको उसकी लेयर दिखाई दे रही होंगी। जब हम इसे बनाएंगे ना, तो सारी लेयर आपको दिखाई देंगी। नाश्ता टेस्टी होगा, क्रिस्पी होगा। और अगर आपको कभी जल्दबाजी है, आप स्टफिंग बनाकर रख सकते हैं, डो लगा कर रख सकते हैं। और इन्हें मैंने रखा करीब 2-3 मिनट के लिए, जिससे अच्छे से सेट हो गया। उसके बाद मैंने ले लिया पिज़्ज़ा कटर। आप चाहे नाइफ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और इस तरीके से हम इसे स्क्वायर शेप दे लेंगे। और चलिए, शेप भी बनकर तैयार हो गई है। अब बारी है इसे स्टफ करने की। तो उससे पहले बिल्कुल अच्छे से आप इसमें पानी लगा लें। अच्छे से पानी लगाने के बाद में जो स्टफिंग तैयार करी थी, उसे इस तरीके से रखें, और कोने से कोने मिलाते हुए, थोड़ा सा स्ट्रेच करते हुए आप इसे अच्छे से सिक्योर कर लें। तो ये देखिए, आपका एक नाश्ता बनकर तैयार हो गया। इसी तरीके से सारे बना लिए। इधर मैंने किया है ऑयल को मीडियम गर्म। आपको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे ऑयल को गर्म नहीं करना है, और मीडियम ऑयल में ही हम अपने ये सारे नाश्ते डाल देंगे। अब फ्रेंड्स, आपकी मर्जी है, आप इसे लेयर वाले समोसे का नाम दे सकते हैं, बिना बेक करी हुई पेटीज का नाम दे सकते हैं, और आप इसे क्या नाम देना चाहते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और बस उलट पलट कर करीब 6-7 मिनट तक आप इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर सेक लें, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर ना सेकें। और जब अच्छा सा कलर आ जाए, आप इसे डिश आउट कर लें। तो है ना फ्रेंड्स, एकदम मिनटों में बना हुआ बहुत ही अमेजिंग नाश्ता। इस पे ना तो बहुत ज़्यादा ऑयल लगता है, ऐसा नहीं है लेयर की वजह से ऑयल भर जाता है, क्योंकि फ्रेंड इसे बनाया है हमने गेहूं के आटे के साथ। और सर्व करेंगे टमाटो केचप और हरे धनिये की चटनी के साथ में। और आप इसका साउंड सुनिए, बहुत ही क्रिस्पी है। और जिसे मैंने हाथ में ले रखा है ना, उससे ही आपको पता चल रहा होगा कि इसने ऑयल को बहुत ही कम एब्जॉर्ब किया है, अंदर तक एकदम परफेक्ट सिका हुआ है। तो मुझे तो उम्मीद है दोस्तों, रेसिपी तो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, फ्रेंड फैमिली में शेयर कर दें, और उसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें।